एनीवे जाओ ये सब पैक करो। शेकी हाँ शेकी आया आया वाओ सुंदर है। अरे बाप रे बहुत भारी है। मैं जितना उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता हूँ उतना हाथ झटक के चली जाती है वो। मोहन जी अरे यार लिख कर दूँ क्या मुझसे दूर रहो तुम। I love you so. एबीसी तुम्हारे मुंह पे बहुत सारे सवाल है ना दिख रहे हैं तो एक एक करके सबको जवाब दूंगा। कल तुमने मुझे एक अच्छे रिलेशनशिप मैनेजर की अहमियत समझाई है ना। कि तुम्हें मुझे सर्व करना कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब लोगों को अच्छा लगता है। ए बैलेंस यार ऐसी सीधी खड़ी रहो इसलिए आज मैं तुम्हें और अच्छा फील करवाना चाहता हूं। तुम्हें अच्छा फील होगा ना मुझे अच्छा फील होगा। अब देखो तुम मेरी रिलेशनशिप मैनेजर तो हो इसी भी खड़ी रहो यार टाइटैनिक नहीं देखी स्ट्रेट या तुम मेरी रिलेशनशिप मैनेजर तो हो। अब मैं चाहता हूँ आज से ना तुम मेरी कपड़ों की भी मैनेजर बन जाओ। मतलब तुम डिसाइड करो कि मैं क्या पहनूं तुम मेरे कपड़ों को मैनेज करो एंड ऑल दैट स्टफ। वैसे कपड़ों के मामले में तुम्हारा जो टेस्ट है वो थोड़ा ठीक ठाक ही है ना। मैं ऐसी हूँ सिंपल। अरे यार सिंपल ही तो नहीं पसंद मुझे। यू नो एक सिंपल और सिंपल कुछ नहीं होता ना लाइफ ना लोग ना रिश्ते नथिंग। और लड़कियां तो बिल्कुल सिंपल नहीं होती है ना तुम तो जानती होगी। कैसा है और से? अच्छा सर। I hate cream. पर अच्छा ट्राई करो। ओके सर। ओके कपड़े गिराना मत महंगे हैं यार। नहीं इस वक्त मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। सुबह जो कुछ भी हुआ उससे आई पहले ही परेशान हूँ। नौकरी भी चली गई तो नहीं नहीं मुझे बर्दाश्त करना होगा। इस शींदाने को भी बर्दाश्त करना होगा। सर अभी बता दो सबसे देखो तैयार है ये लड़की अपनी इंसल्ट कराना मंजूर है लेकिन क्विट नहीं करेगी। आफ्टर ऑल पैसे से ऊपर थोड़ी है इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में नहीं आई की सेल्फ रिस्पेक्ट प्यार के बारे में सोचना है मुझे। उसकी खातिर मुझे सब कुछ भूलना होगा।
ये भी सहना पड़ेगा जो भी बेइज्जती कर रहा है विराट सिंह मुझे। ये सारे कपड़े आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। I know, विराट सिंह हुजा पे सब अच्छा लगता है। ओह हेलो, ये क्या था? ये कुछ नहीं। क्या 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 कुछ नहीं? अभी तुम क्या कर रही थी? वो तो आंखों में कुछ चला गया था सर। हाँ तो निकाल दे। निकाल देता हूँ। नहीं सर, अब चला गया। आपको क्या लगा? मैं आपको देख के कर रही हूँ। नहीं सर, मैं कैसे? आप तो शिंदाना, आप तो मिस्टर विराट सिंह आहूजा है ना सर, तो मैं कैसे? ये नाम ना जिंदगी भर याद रखना। यस सर। एनीवे, जाओ ये सब पैक करो। शेकी, हाँ शेकी, आया आया। वाओ सुंदर है। अरे बाप रे, बहुत भारी है। अब एक काम करो, पैक करवाओ, पे करो और घर पे डिलीवर करो। नाइस। चल शेकी। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं है, गेम थोड़ा लंबा चलेगा पर जीतेगा तो विराट सिंह हो जाएगी। लगता सो रहा है। अब क्या करूं? इलाज करूं या वापस चली जाऊं? वापस लौट जाती हूं। वैसे भी इस बदतमीज के लिए मैं क्यों कुछ करूं? दादी को कहूंगी। सो रहा था। आप उठ गई? चलिए शुरू करते हैं। करण का शोल्डर ठीक हुआ? करण बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कोई बात नहीं, फिर कर देंगे। आप चेयर वेयर नहीं चलेगा, वो ना पेन से तड़प रहा है। और तुम कह रही मैं एक्सरसाइज करूं? कैसी डॉक्टर हो तुम? पेशेंट की इमरजेंसी नहीं समझती? जब तक उसका शोल्डर फिक्स नहीं होता मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी। ओके, मैं दोबारा जाकर चेक करती हूँ। अब आएगा मजा जब करण करेगा इसकी छुट्टी। मम्मी जी आ गई मिठाई में खटाई डालने वाली। आ रही हूं। मैं एक फिजियो हूं, यही तो मेरा काम है, तो फिर इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ मैं? क्योंकि इस आदमी में बुराइयाँ कूट कूट के भरी हुई हैं। जिस तरह ये लड़कियों के साथ पेश आता है, इसे छूना भी अजीब लगता है। जाने दे प्रीता, इसे बस अपने पेशेंट की तरह ट्रीट कर। भागे बे, इस दर्द के लिए सिर्फ तुम ही कर सकती हो। थोड़ा नीचे, थोड़ा बीच में, थोड़ा सा। सोफिया तुम कहाँ थी? ये तो मुझे कोई सोफिया समझ रहा है। जल्दी से ट्रीटमेंट करके मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। रुक क्यों गए? I love you, Sophia. दादी ने मुझे बोला है तुम्हारे शोल्डर का ट्रीटमेंट करने के लिए। डोंट टच मी। अरे फिर मैं तुम्हारे शोल्डर का इलाज कैसे करूंगी? ओह, तुम्हें लगता है मैं इतना बड़ा उल्लू का पट्टा हूँ, इतना बेवकूफ हूँ? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम सिर्फ मुझे छूना चाहती हो, दूर हटो मुझसे। व्हाट नॉनसेंस! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरा दिमाग खराब हो गया? देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे इरादे क्या। तुमने बस मेरी बॉडी छूना चाहती हो, उसके करीब आना चाहती हो, दैट्स इट। रियली? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम जैसे थर्ड ग्रेड इंसान को छूना भी चाहूंगी? ओहो, मैं थर्ड ग्रेड? अगर मैं थर्ड ग्रेड हूँ तो तुम एक नंबर की झूठी हो, समझी? तुम पहले मेरी गाड़ी में घुस गई, उसके बाद मेरे घर में और दोबारा मेरे बेडरूम में।
देखो, नहाए हुए इंसान को भी एक प्राइवेसी चाहिए होती, तुमने मुझे वो भी नहीं दी। इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हें? हाँ, पर आज तो तुमने मेरी गलतफहमी का फायदा उठाकर मेरी शोल्डर मसाज भी कर दी। वाओ, तुम्हारी सोच में मोच आ गई है, लेकिन मैं उसकी डॉक्टर नहीं। फिलहाल मुझे तुम्हारा कंधा ठीक करने दो, क्योंकि दादी ने कहा है जब तक मैंने तुम्हारा इलाज नहीं किया वो मुझसे इलाज नहीं करवाएंगी। नो, मैं दादी से बात करता हूँ। लेकिन तुम्हारी बात नहीं। देखा, यही मैं कह रही थी। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम किसी की बात सुनते नहीं हो। जानू, व्हाट्स गोइंग ऑन? और ये लड़की कौन है? लड़की कौन? लड़की ये तो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो मेरे कंधे में थोड़ी चोट लगी थी ना, इसलिए आई है बात। डॉक्टर, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, सो यू कैन गो। वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड आ गई है और मुझे उसका टच बहुत पसंद है। ओह, व्हाई लुक सो अपसेट? वो मेरा सामान और मेरी किट रह गई है। प्लीज लेट मी पिक दैट अप। प्लीज, तुम गिरी नहीं हो, यू आर सेफ। बच गए। खुद तो ठीक से चल नहीं पाती हो, दूसरों के पैरों के लायक बन गया। मैं अपना सामान लेने जा रही थी, तुम बीच में आ गए। ओहो, एक चोरी पसीना चोरी। एक तो थैंक कहने के बजाय मेरे पे इल्जाम लगा। तो मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे थाम लो। ओके ना। तुम्हारा सच में दिमाग खराब है। चल मेरा दुपट्टा। तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों? मैं यहाँ आया तुमसे मिलने, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हाँ नहीं, मतलब अच्छा लगा, लेकिन आप यहाँ क्यों? रहा ही नहीं गया। सोया रात को तो तुम ही नजर आ रही थी, फिर ड्रीम्स में भी तुम ही नजर आ रही थी, फिर जब उठा सुबह तो भी तुम ही नजर आ रही थी। सीरियसली, ये फेस मेरी नजरों से हट ही नहीं रहा है। पता नहीं अचानक से कैसे मैं तुम्हारे पास चला आया तुमसे मिलने के लिए। मेरा दिल कहता है कि मेरे दिन की शुरुआत तुमसे ही होनी चाहिए और खत्म भी तुम पे ही होनी चाहिए। सोचू तो तुम्हें, देखू तो तुम्हें, दिल में तुम हो, ख्यालों में भी बस तुम ही हो। सच कहूं तो मैं रहा ही नहीं हूं, तुम बन गया हो। बहुत फिल्मी डायलॉग साउंड करता है ना, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन अब सडनली सब कुछ रियल हो गया। ये सभी हो रहा है मेरे साथ। तुम मुझे हर जगह दिख रही हो, इवन मिरर में भी। मिरर में खुद को देखता हूँ तो तुम्हें ही पाता हूँ। कोई मैजिक क्या है तुमने मेरे साथ? तुम बताओ मुझे।
तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। बोलो। मैं क्या बोलूं? तुम कुछ मत बोलो, मैं देख के बताता हूँ। नहीं लगना, नहीं हो लगना, दिल बिन दिल मेरा। नहीं लगना, नहीं हो लगना, दिल बिन दिल मेरा। नहीं लगना, नहीं हो लगना, अब से हर रोज ऐसा ही होगा। दिल हमारी हर सुबह ऐसी खूबसूरत होगी, जहाँ मैं खुद को तुम्हारी आंखों में देखूंगा और तुम खुद को मेरी आंखों में देखोगी। स्ट्रेंज ना, अभी अभी तो मिले थे और इतनी जल्दी एक दूसरे के इतने करीब आ गए। तो थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तो थोड़ी देर और ठहर जा, तो थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा, तो थोड़ी देर और ठहर जा। दरवाजा खुला है। तो प्यार है, शादी हो रही है, फिर शर्म किस बात की? अब तो मैं एटीट्यूड के साथ बोल सकता हूं, वाइफ है मेरी, होने वाली एक दिन बाद। तसल्ली, देख रही हो ना, मुझे परेशान करने के लिए हमारी बेटी क्या बन रही है वो? मैं जितना उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता हूँ, उतना हाथ झटक के चली जाती है वो। मोहन जी, अरे यार, लिख कर दूँ क्या? मुझसे दूर रहो तुम। कुछ नहीं है इस कमरे में तोड़ने के लिए, क्या करने आई हो? नहीं, एक्चुअली एक चीज है इस कमरे में तोड़ने के लिए, मन करे ना इसे तोड़ दो तुम। कम से कम तुम्हारा इस तोड़ फोड़ से मेरा तो कुछ फायदा हो जाए। मोहन जी, हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। बताया मुझे तुम्हें मदद चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरी मदद नहीं, किसी दिमाग के डॉक्टर की मदद चाहिए। हमें मदद गुनगुन के लिए चाहिए। दामिनी चीची ने गुनगुन को दोबारा तैयार कर दिया है, बस आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। आपको ना कुछ बनाना है गुनगुन के लिए। हाँ तो बोल दो ना, दुलारिया अजीत से वो लोग बना लेंगे, मुझे क्यों? पिता हैं आप गुनगुन के, तो ये काम भी आप ही को करना चाहिए। गुनगुन बेटी है आपकी, कितना खुश हो जाएगी वो जानकर कि उसके पिता ने उसके लिए कुछ किया है। बेटी है आपकी, कितना खुश हो जाएगी वो जानकर कि उसके पिता ने उसके लिए कुछ किया है। करना क्या है? हम एक मिनट में आते हैं। लकड़ी के साथ मेरा सर तोड़ने आई हो? अरे नहीं नहीं, आपको इस लकड़ी से